नमस्कार, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लॉकडाउन 3 का आज आखिरी दिन है और ऐसे में समाज के बहुत सारे ऐसे नवयुवक आगे आ रहे हैं जो समाज के गरीब लोगों के लिए मसीहा के रूप में आ रहे हैं। वो उनके खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, उन्हें कैसे खाना मिले, कैसे मतलब वो भूखे ना रह पाए, इसको देखा जा रहा है। ऐसे ही बीकर सेक्शन के कुछ नवयुवक जो है एक 5-10 लोगों का एक ग्रुप बना के आपसी सहयोग की राशि के बदौलत वो लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं। आज रविवार है, वो लोग फ्री थे, खुद से अपने से बना के पैकिंग करके और जो है पटना के विभिन्न जगहों पे जाके बांटने का काम किया है। इसमें पूरी है और जलेबी है और सब्जी है, ये बांटने का काम कर रहे हैं। समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। हम इस चैनल के माध्यम से आपसे भी चाहेंगे कि चूंकि लॉकडाउन 4 अब कल से स्टार्ट हो रहा है, आप भी ऐसे काम करें। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ लोगों से, बताइए क्या किस तरह का काम कर रहे हैं। बस समाज सेवा के रूप में हम लोग को जो अपने खुद से हो पाया, हम लोग लोगों के लिए भोजन बनाया, जैसे अभी समोसे, लिट्टी, घुगनी और बुनिया का प्रोग्राम रखे थे। कुछ लोगों को अभी जाकर रेलवे स्टेशन जो बाहर से लोग आए थे उन लोगों को अभी देकर आ रहे हैं। अभी हम लोग जो भी गरीब लोग हैं या जरूरतमंद हैं उनके लिए थोड़ा बहुत नाश्ता पानी का जो है व्यवस्था करके बांट रहे हैं। तो गरीब रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, जो भी हैं उनको लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए, और स्टेशन पर जा कर के, और कुछ पुलिस वाले भी जो बेचारे दिन भर ड्यूटी कर रहे हैं हमारे लिए, उनके लिए एक प्रयास है। पैसों का इंतजाम कहाँ से? तो हमारे मित्र लोग हैं समाज में ही आपसी सहयोग से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे जब तक रहेगा जरूरत। लॉकडाउन आज 3 खत्म हो चुका है, 4 अब स्टार्ट होने जा रहा है कल से, तो क्या आप लोग ऐसे और भी आगे कार्यक्रम करते रहेंगे? हाँ करेंगे, जितना सक्षम हो सकता है हम लोग करेंगे, जितना बन सकेगा करेंगे। कितना पैकेट लगभग बांटते हैं? लगभग 500-500 जो भी। कौन कौन जगहों पे जाते हैं पटना में? अभी हम लोग गए थे राजेंद्र नगर, अभी जा रहे हैं करबी गहिया स्टेशन और बस स्टैंड, मीठापुर वगैरह सब जगह, कांटी फैक्ट्री, मलाई पकड़ी। क्या क्या रहता है खाने के पैकेट में? खाने में आज था अलग अलग रहता है, आज कचौड़ी था सत्तू भरा हुआ और चना का छोला था और बुनिया था, किसी दिन पूरी सब्जी रहता है, चावल दाल रहता है। वैसे आपका सहयोग इसमें क्या है बताइए? जो संभव हो उतना मैं कर रहा हूँ, आगे भी करते रहे। कैसे वो ऐसे लोगों को चिन्हित कैसे करते हैं आप लोग कि जाके इस जगह पे मुझे बांटना है? वो तो रोड पे चलते हुए दिख जाते हैं कि किनके जरूरत है और पूछ के हम लोग देते हैं कि अगर जरूरत है तो आप लीजिए खाना, देते हैं। क्या प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत वगैरह नहीं? नहीं नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, उनका सहयोग रहता है हमेशा, बिल्कुल सहयोग। कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? हम लोग यही जो गरीब हैं, जो ठेला वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, उन सबों के बीच जा कर के हम लोग देख रहे हैं इन्हें ज़रूरत है, उस हिसाब से हम लोग पैकेट वितरण कर रहे हैं। पैकेट में क्या क्या चीज़ें रहती हैं? ये आज तो हम लोग हर एक दिन अलग अलग बनाने का प्रयास करते हैं। आज था ये कचौड़ी बनवाए थे, कुछ सोचा कि आज कुछ नया चीज़ के, कुछ मीठा बनवाया गया, कुछ बुनिया बनवाया गया, तो यही सब चीज़ें अलग अलग हम लोग बना रहे हैं। और देश की हालत क्या है आप किसी से नहीं छुपी है, लोगों को आज बहुत जरूरत है। मैं अपील करूँगा लोगों से कि वो जहाँ भी जरूरतमंद दिखे कृपया जाकर उनकी मदद करें, ये हमारे अकेले से नहीं होगा, सभी लोगों को आगे आना है। क्या नाम हुआ? ऐसे समाज में अगर हमारे साथ नवयुवक हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी शख्स भूखा रह पाएगा। कैमरा पर्सन आनंद भूषण के साथ आरके रोशन, कंकर बाग, पटना।